उत्तराखंड को जो प्रकृति ने दिया है वो किसी वरदान से कम नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसका संतुलित इस्तेमाल कर हम उत्तराखंड में खुशहाली ला सकते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाता हूँ। मसलन ये भीमल, हमारे यहाँ जो भीमल होता है उसका हम क्या प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं दुधारू गाय के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी घास का। लेकिन उसी भीमल से ये चप्पल बन रही है, ये टोकरी बन रही है, ये अन्य उत्पाद बन रहे हैं, आप देखिए। और इसकी विदेशों में बहुत मांग है। सबसे खास बात यह है, फर्क क्या है कि इसमें इनोवेशन आपको दिखाई देगा, इसमें प्रयोग आपको दिखाई देगा, वही उत्तराखंडियों को करना है। अब जैसे हम भांग की बात करते हैं, जब भी भांग की बात आती है हम क्या सोचते हैं, नशे की बात करते हैं। लेकिन साहब भांग नशे का मतलब नहीं है। इसको इंडस्ट्रियल हैम के तौर पे देखिए तो आपको ये डिज़ाइन नज़र आएंगे। अगर ये फैब्रिक आपने मार्केट में उतार दिया डिफरेंट स्टाइल में आज के हिसाब से, तो आप समझिए कितना बड़ा उद्यमिता का जरिया बन सकता है। अब तीसरी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बिच्छू का घास बड़े पैमाने पे उत्तराखंड में पाया जाता है। अब इस बिच्छू के घास के उत्पाद को आप देखिए, आप कंडाली कहिए, सिसोण कहिए, बिच्छू घास कहिए, किस तरह के शानदार उत्पाद यहाँ पर बनाए गए हैं इसके रेशे से। यानी हमारे पास उत्तराखंडियों के पास जो सब कुछ है वो इसी से, मतलब उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे ये भीमल का कारपेट आप देखिए, यानी भीमल की जो लकड़ी है उसके जो रेशे हैं उससे कारपेट बनाया गया है। तो ये जो सोहम हिमालय सेंटर है, इन्होंने इतना शानदार काम किया है, आज के दौर से इनोवेशन करके ये सारे प्रोडक्ट तैयार किए हैं। यही भाव उत्तराखंडियों को अपने अंदर लाना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ उत्तराखंड को आगे बढ़ना है तो आपको उद्यमिता का भाव अपने अंदर लाना होगा, तभी आप पहाड़ में खुशहाली ला सकते हैं, तभी आप आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।